अजीजा ने मैन चौबीस घंटे खुदावंद की याद में रहने से और हमेशा जिक्र करने से कामयाबी होती है, क्योंकि दिन रात को हम जिस तरह सोते हैं, जिस तरह हम ख्याल करते हैं और जिस तरह हमारे अमाल होते हैं, उसके नतीजे के मुताबिक सुबह की इबादत अंजाम पाती है। वो नताइज उसमें मुखिल हो जाते हैं, वो नताइज उससे नूरानी इबादत में असरअंदाज हो जाते हैं। आपके नोटिस में रहे, आपके ख्याल में रहे, ऐसा नहीं कि जो आप उस एक घंटे के अंदर चाहें वो हो पाए। कभी दखल है जो आप चौबीस घंटे के अंदर करते हैं, आपके अमाल जैसे हैं वैसी इबादत हो पाएगी। इसके लिए आप अगर रूहानी तरक्की चाहते हैं तो हमेशा नेक ही करें और नेक बने और दिल में नेक ख्याल को जागुदीन करें, फिर इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसके लिए आपको दाइम जिक्र होना है। दाइम जिक्र का मतलब यह है कि आप इस सुनियाजम के मोती को हमेशा मुंह में रखें। इसमें आजम एक पूरी हिकमत मोती को मुंह में रखे, जबान के नीचे रखे, दिल में रखे, दिमाग में, यानी कि खुदावंद के मुबारक नाम को जारी व सारी रखें, हर वक्त उसको जापते रहें, हर वक्त उस नाम को बोलते रहें, करते रहें, चली भी खफी भी जाहिर भी बातिन भी, और हर सूरत में हर तौर से उस मुबारक नाम को याद करें। फिर इसके नतीजे में इसकी बरकत से आपका जो जिक्र है वो आगे बढ़ेगा और वो पूर्ण रौनक होगी, उसे लिज्जत और खुशी महसूस होने लगेगी, और उस लिज्जत और खुशी के असर से आप जिक्र में बाकायदा रहेंगे और रोज बरोज आपका जिक्र आगे से आगे बढ़ेगा। एक दिन आपको रोशनी देखना नसीब होगा, और फिर जब आप रोशनी देखेंगे तो बहुत ही प्रसन्न और शादमान हो जाएंगे, बहुत ही खुशी आपको होगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये काम आगे से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हिम्मत दरकार है, ताकती चाहिए, पकी चाहिए, तकवा और निकी मोमिनी की सिफात। दुनिया में भी दो शख्स आपस में दोस्ती उस वक्त कर सकते हैं जो कि वो किसी न किसी बिना पर आपस में मुनासिबत रखते हैं। अगर उनकी तबीयतें अलग अलग हैं तो दोस्ती कभी नहीं होती, और उनमें कोई मुशाबिहत न हो, कोई रिश्ता न हो, या जबान का रिश्ता, या कौमियत का रिश्ता, या कस्ब हुनर का रिश्ता, कुछ भी तो रिश्ता होना चाहिए ताकि दोस्ती हो सके, इसके बाद कोई दोस्ती नहीं होती। चुनांचे खुदा के साथ दोस्ती भी इस बिना पर हो सकती है कि खुदा की सिफात में से कुछ कुछ आप में मौजूद हूं, खुदा की खूबियों में से कुछ कुछ आप में पाई जाए, बड़े पैमाने पर नहीं, कुछ खूबियां खुदा की खूबियां आप में पैदा हूं, तो फिर खुदा के साथ दोस्ती होगी। समंदर के साथ खतरे की दोस्ती हो सकती है, निर्दार की कोई बात नहीं है, समंदर अजीम है और खतरा हकीर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान हम जिंसियत और रिश्ता पाया जाता है, वो भी पानी और ये भी पानी। वो अजीम है, बेपनाह है समंदर, और ये बहुत छोटी मिकदार में है, इसकी कोई बात नहीं, दोस्ती होगी। बात एक है
साधक है और विस्तारक है तो खतरे की दोस्ती समंदर से जरूर होगी। इस मिसाल पर अगर खुदावंद नूर है तो आपके दिल में ईमान की थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए, तो उस नूर के साथ इस रोशनी की दोस्ती होगी। अगर खुदावंद रहीम और रहमान है तो आपके दिल के अंदर थोड़ा सा रहम और शफ़क़त में बंद होनी चाहिए, ताकि खुदावंद की अजीम रहमत और आपके थोड़े से रहम कि आप अपनी दोस्ती हो। इसी तरह हर सिफत की यही मिसाल है कि जो सिफात खुदा की हैं उनमें से एक छोटा छोटा नमूना आपने होना चाहिए, ताकि खुदा के साथ आपकी दोस्ती और मोहब्बत हो। अगर ऐसा न हो, आपकी सिफात खुदा की सिफात के बरखिलाफ हो, तो फिर कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। पानी के साथ आपकी दोस्ती नहीं होती, तारीकी के साथ रोशनी की दोस्ती कभी नहीं होती, अमीरी के साथ गरीबी की कभी दोस्ती नहीं होती। ये जिद है, अपोजिट है। तो दो अपोजिट चीजों की बाहमी दोस्ती नहीं हो सकती है। और जो न हो, इसी मानी में इस्माइली मजहब की तालीम है कि इमाम फरमाता है कि तुम आज मेरे फर्जंद बनकर मेरी इताअत करो, ताकि सजा क़यामत में मैं तुमको अपने भाई का दर्जा अता करूंगा। इसका मतलब ये है कि मोमिन भी ऐसा अजीम उल मर्तबा और ऐसा आलीशान हो सकेगा जैसे इमाम है। इमाम के इस इरशाद का मतलब ये है, और हदीस कुदसी का भी यही मतलब है। हदीस कुदसी में फरमाया गया है, या बनी आदमा अतुहनी अलुका मिसली हयन ला तमूत वगनियन ला तफ्तकिर वअजीजन ला तज़िल। ए इब्ने आदम, तू मेरी इताअत कर, ताकि मैं तुझको अपने मानंद बना लूंगा, ऐसी जिंदगी अता करूंगा कि तू कभी नहीं मरेगा, ऐसी अमीरी दूंगा कि तू कभी गरीब नहीं हो जाएगा, और ऐसा मुआज़्ज़िज़ बनाऊंगा कि तू कभी जलील न होगा। इसमें मोमिन के खुदा की सिफात में मुंतकिल हो जाने का जिक्र है। मोमिन के खुदा की सिफात में मुंतकिल हो जाने की बुशारत है। कितनी खुशी की बात है, कहां वो जन्नत जिसके मानी बाप हैं, और कहां ये फजीलत कि खुदा के मर्तबे तक कोई पहुंचे, खुदा से वो हासिल हो जाए। उस वक्त उसका शऊर ऐसा हो कि वो खुद को खुदा पाए, खुद को खुदा देखे, खुद को खुदा समझे। खुदा दो नहीं हो सकते, कोई ये खुदा जो अजल और अबद हमेशा आई और दाई। मतलब इसका ये है कि हमारी ये जिंदगी एक भाई की हैसियत से है, हमारी ये जिंदगी रूह की गिरफ्तारी है, इस शख्सियत में इस जिस्म में ये रूह महबूस है, ये रूह कैद है, ये रूह गिरफ्तार है, मुब्तला है। इसकी निजात इस बात में है, इसका छुटकारा
इस अमर में है कि ये अपने खुदावन की फरमान बरदारी वो इताअत करे। ताकि इस हदीस कुदसी के मुजिब इसको नजात इस तरह से मिले और इतनी बड़ी नजात मिले, इतना बुलंद रुतबा इसको अता हो कि ये खुदा के मर्तबे पर फाइज हो जाए, खुदा के मर्तबे पर फाइज हो जाए और इस जिंदगी को, इस सुफली जिंदगी को ख्वाब ख्याल समझे। जिस तरह एक इंसान आपकी आलम में कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है, क्या करता है और वो इसी तरह मुसीबत में मुब्तला हो जाता है और बहुत उस पर दुख और रंज गुजरता है। इतने में यकायक उछालता है इस खौफ के जोर से, इस वहशत से, इस हराज से उछालता है। जागने के बाद एकदम से उसको खुशी का एहसास हो जाता है, वो शुक्र करता है कि अभी अभी खौफ के आलम में जो उसने कैफियत देखी थी, खौफ की कैफियत, तकलीफ की, रंज की, मुशक्कत की, गिरफ्तारी की, मरने की, बीमारी की, वो उसका ख्वाब था, तो शुक्र करता है। वो कहता है कि अगर बीदारी में मेरा ये आलम होता तो फिर मुझ पर क्या गुजरता। कहता है कि शुक्र है कि मेरी मुसीबत ख्वाब ही में खत्म हो गई। इसी तरह मोमिन की अना जब खुदा की वादानियत में मुंतकिल हो जाएगी तो वही इसकी हकीकी बहिष्ट होगी और सबसे बड़ी बहिष्ट, सबसे बड़ी जन्नत, इससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं। जैसा कि कुरान करीम ने इरशाद हुआ है कि वरिजवानुल्लाह अकबर बिहिश्त है क्यों नहीं, आठ जन्नतें हैं लेकिन इन सब से बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी, यानी अल्लाह की मर्जी पर छोड़ना कि वो जो चाहे मोमिन के लिए करे, ये बात सबसे बड़ी, जन्नत से भी बड़ी। इसको रिजवान कहते हैं और वैसे रिजवान एक रिश्ते का नाम है जो आठ बिहिश्तों से ऊपर, या ये कि वो आठ बिहिश्तों का मालिक, उसका नाम रिजवान। बहरहाल खुदावंद तआला की खुशनूदी ही रिजवान है और वो ये खुशनूदी ही अजीम फरिश्ता है। तो दूसरों के लिए ये बातें अलग अलग है, हमारे नजदीक हिकमत में और तावील में सब बातें एक है। तावील में हकीकत में गुंजाइश है कि बहुत सी हकीकतें मिल जाए, क्योंकि कहा गया है कि हकीकत एक लाल की तरह है और जिसके कई कई पहलू हैं, यानी एक तराशा हुआ नगीन जो आपकी अंगूठी में होता है, उसके कई कई रुख होते हैं, कई कई पहलू होते हैं। तो इसी तरह जो ऊंची हकीकतें हैं उनके भी कई कई पहलू हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि रिजवान फरिश्ता है, रिजवान खुदावंद की खुशनूदी है और रिजवान बिहिश्त से बढ़कर एक बढ़ जाए, ये सारी बातें एक ही।
इन तमाम बातों का मतलब एक है। मैं कह रहा था कि मोमिन की अना, मोमिन की खुदी, और जिस वक्त खुदा की हकीकत में मुंतकिल हो जाएगी तो ये मोमिन के लिए आखिरी नजात और यही छुटकारा है और यही हकीकत है। इसके लिए हम सबको दुआ मांगनी चाहिए कि रामदारिणी हमको जिंदगी में वो आली हिम्मती अनायत करे कि जिससे हम जिंदगार करें और रूहानियत के रस्ते पर आगे बढ़ें, अपने जिक्र को कामयाब करें और ठीक तरह से इबादत कर सकें और मां की खुशनुदी को हासिल करें और सही माना में उसकी फरमान बरदारी करें और हमेशा उसकी खुशनुदी के मुताबिक काम करें और अपने दीन भाइयों और बहनों के लिए खैरखाही करें, उनकी भलाई और बेहतरी चाहें और हमेशा ऐसी मजालिस से फायदा उठाएं, इल्मी फायदा उठाएं, रूहानी फायदा उठाएं, अखली फायदा उठाएं और हम खुदावन की मारिफत में आगे बढ़ें और आला हकीकतों को समझ सकें और इस हकीकत को समझ सकें कि किस तरह हम अपनी अना को खुदा की हकीकत में मुंतकिल कर सकते हैं। इसी के लिए सबकी दुआ होनी चाहे और साथ ही साथ आप दुआ मांगे बोला के हुजूर से कि इस नेक घर के अफराद ने जिस तरह से एहतमाम किया है और जैसे इंसलाम किया है इस मजलिस के लिए और इन्होंने जहनत खाजते हैं वो पूरी हो जाए, उनके सब गुनाहों को मौला बख्श दें, उनको सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखें, उनके इल्म में इजाफा करें, उनके ईमान की रोशनी में इजाफा करें, उनके यकीन में इजाफा करें, उनको और ज्यादा आली हिम्मती और बुलंद हौसलगी अदा करें ताकि वो जमात की और इमाम की खिदमत कर सकें और इल्म की खिदमत कर सकें और मारिफत की खिदमत कर सकें। वो जिंदगी में इस मुकद्दस मजहब के अंदर जो गोहर हैं उनको चुन सकें और जिनके मार्जात को देख सकें और फिर इनको क़यामत में कोई अफसोस न रहे और इनको दुनिया जहां में खुदावंद कामयाबी अता करे, सुरखुरुई और सरबुलंदी अता करे और इनको दीदार जाहिर और दीदार बातिन की नावत से नवाजे और मार्फत की लाजवाब सल्तनत इन सबको अता हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। Thank you.